आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। मुहर्रम के जुलूस में नहीं होगा तलवार और असलहे का प्रदर्शन, नियम का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई। गोपीगंज कोतवाली परिसर में शुक्रवार को मुहर्रम को लेकर शांति सुरक्षा समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई। इसमें शासनादेश के तहत यह निर्धारित किया गया कि मुहर्रम के ताजे में जुलूस में लकड़ी बाना के प्रदर्शन को छोड़ किसी भी प्रकार के तलवार असलाह सहित अन्य किसी का भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीएम ने कहा कि इस समय कांवड़ यात्रा भी चल रही है, इसलिए सामंजस्य बनाकर ही यह त्यौहार मनाएं। मौजूद ताजियेदारों में धूमखा अखाड़ा गोपीगंज सराय मोहाल के अखाड़ेदार मोहम्मद हनीफ ने ताजिए के रूट के बारे में जानकारी दी। वहीं शेख सलामत अली खां गोपीगंज चूड़ी हारी मोहाल के अखाड़ेदार सरवर खां ने भी अपने रूट के बारे में जानकारी दी। जंगीगंज से आए अखाड़ेदार ने कुछ दिक्कतें बताई, जिस पर अपर जिलाधिकारी ने कहा कि राजमार्ग इस बार एक लेन बंद है, एक ही लेन चालू है, आप लोग अपना त्यौहार सर्विस लेन पर ही मनाएंगे जिससे आवागमन अवरुद्ध न होने पाए। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती ने भी ताजिया मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। इस मौके पर सीओ भुवनेश्वर पांडे, एसडीएम ज्ञानपुर योगेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।